हेलो एवरीवन, वेलकम दोस्त। मेरा नाम है डेरक्स आशिक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन ब्लॉग्स। तो दोस्त, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैरासीटामोल 500 टेबलेट के बारे में। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा पैरासीटामोल टेबलेट के टेबलेट किन किन बीमारियों में यूज़ होते हो और इसका कैसे यूज़ करना है और इसका साइड इफेक्ट के बारे में बताऊँगा और किन किन उम्र में ये टेबलेट आप यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। इस टेबलेट 500 टेबलेट को आप कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये पैरासीटामोल एक एंटी एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक्स टेबलेट है और एनसेड के ग्रुप में भी आते हैं। तो मेनली आपका जो फीवर है, फीवर रिलीफ करता है और मस्कुलर पेन, बॉडी पेन और जोन पेन भी ये रिलीफ करता है। तो जोन में भी आप इसके ले सकते हैं। इसके डोजेस की बात करो तो इस एक टेबलेट को आप दिन में दो या तीन बार भी ले सकते हैं। आप 12 साल की उम्र से ज़्यादा हो तो आपको 12 साल के नीचे जो बच्चे हैं उन लोग बच्चे के लिए आप सिरप फॉर्म में मिलते हैं। आप सिरप फॉर्म में मिले तो 250 mg और 125 mg सिरप में मिलते हैं और आपके दिन में तीन बार भी यूज़ कर सकते हैं। 8 आवर के अंतर में भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए। अब किसी का साइड इफेक्ट के बारे में बताओ तो लॉन्ग टाइम इसके यूज़ ना करें। लॉन्ग टाइम यूज़ करने से आप इसके लिवर डैमेज हो सकते हैं, आपका किडनी भी डैमेज हो सकते हैं और स्किन रिसेस एलर्जी कंडीशन भी हो सकते हैं और पेशाब में भी जलन हो सकती है। तो मेरी राय है कि आप जब भी ये टेबलेट यूज़ करें डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से ही आप यूज़ करें। थैंक यू दोस्त, लास्ट में जरूर रहने के लिए थैंक यू।